Assalamualaikum, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल व्लॉगिंग मंथ दिशा। तो जी मैं आज व्लॉग लेके आई हूँ स्कूल का प्रैक्टिकल का। तो ये होम साइंस का प्रैक्टिकल था, तो आप देख सकते हैं सारे बच्चे सारा सामान लेके आए थे अपने कुकिंग के लिए, अपने प्रैक्टिकल के लिए, क्या उन्हें डेकोर करना था, क्या लिखना था, तो ये सारी चीज़ें रखी। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। और जी यहाँ पर सारा सामान रखा था उन लोगों का जो उन लोग बनाने वाले थे, पापड़ वगैरह, पता नहीं क्या क्या बनाने वाले थे, तो ये सारा सामान रखा हुआ था। और ये आटे का कट्टा रखा हुआ है, क्योंकि सारे टीचर्स और जितने भी बच्चे थे, मतलब प्रैक्टिकल में दो क्लासों का प्रैक्टिकल था, तो उन लोग के लिए भी नाश्ता और खाने का था। तो जी आप देख सकते हैं ये सारा सामान यहाँ पर रख चुका है। बच्चों ने अपना एक छोटा सा किचन बना लिया था और ये पानी का वाटर कूलर भी ले आए थे ये लोग। तो जी मैं बोल रही थी कि बस इसे उठा के इस बेंच के ऊपर रख लो, जिससे तुम लोग को कंफर्टेबल भी काम हो जाए। तो जी ये देखें मौसम भी बहुत अच्छा था, ये आप देख सकते हैं, देखें मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और प्रैक्टिकल भी इन लोग का बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी मेहनत की सबने। और यहाँ पर आ गया था गैस चूल्हा, और ये मैम हैं जो बच्चों की हेल्प कर रही थी, क्योंकि अभी बच्चे ज़्यादा कुकिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो मैम यहाँ उनकी हेल्प कर रही थी। बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, बस थोड़ा ज़्यादा थक जाते हैं बट मज़ा आता है। और यहाँ पर देखें सारी सब्ज़ी आ चुकी थी और ये मैम निकाल रही थी और बच्चे को बता रही थी कैसे करना है, आपको क्या क्या करना है। तो ये देखें अभी सारे बच्चों को, अब देखना सारे एक साथ बैठ जाएंगे इसको साफ़ करने के लिए, इसे पत्ते वत्ते तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर ये गोभी आ गई है और भी सामान आया था, मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फुल वॉच किया करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखें आप देख रहे हैं सारे बच्चों के, सारे बच्चे बहुत जल्दी से लग गए थे कि मैम लाइए हम करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रैक्टिकल जो था वो दो क्लासों का था ना, तो बच्चे ज़्यादा थे, तो हम लोगों ने सोचा जितना जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर ये देखें सर जो थे वो मिर्ची इतनी ज़्यादा ले आए थे, मतलब सब बच्चे बोल रहे थे सर कि हमें ये खानी भी है। अभी मैं आपको एक पेपर पे ना निकाल के दिखाऊंगी, ये बच्चे सब आप बताना इतनी सारी मिर्चें। और यहाँ गोभी क्लीन हो चुकी थी और ये देखिए आप मिर्चें, ये देख सकते हैं आप, यहाँ सारे काम स्टार्ट हो गए थे जल्दी 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 जल्दी। और ये जो मैम का हाथ दिख रहा है ये बच्चों की हेल्प कर रही थी प्रैक्टिकल में, कुकिंग में। और ये आलू भी बच्चों ने निकाल लिए थे, ये इन्हें वॉश वगैरह करेंगे, फिर ये बॉयल होंगे। तो यहाँ पर यही सब चल रहा था और बड़ा मज़ा आया, काफ़ी टाइम बाद ऐसे मतलब स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह हुआ तो इन्जॉय। और यहाँ पर ये लड़कियाँ लग गई थी आटा छानने के लिए, क्योंकि पूरी बनानी थी तो पूरी के लिए आटा वगैरह छाना, फिर उन्होंने आटा गूंदा। और दूसरी तरफ मैम ये बच्चे लग गए थे मिर्ची, देखें आप कितनी सारी काट रहे हैं। तो जी बस यही सब काम बच्चे कर रहे थे और मैंने सोचा लाएँ थोड़ा थोड़ा शूट कर लेते हैं, आपको दिखा दें। तो जी ये आलू धुल के आ चुके थे, तो जो इन गोभी आलू में डालने थे वो अलग कर लिए थे और जो बॉयल करना थे वो आलू अलग निकाल लिए गए थे, जिससे जल्दी काम हो जाए और इन बच्चों का प्रैक्टिकल जल्दी हो जाए, इजीली हो जाए। और यहाँ गोभी भी वॉश हो रही है, ये देखें अभी साक्षी है इसका नाम और ये दिखाएगी, ये देखें ये गोभी दिखा रही है, देखें मैम ऐसे ऐसे कटी है। और बच्चों को बहुत वेट है कि आप प्रैक्टिकल का वीडियो डालें जल्दी से। तो जी मैंने सोचा चले आज इसको एडिट करते हैं और प्रैक्टिकल का वीडियो डालते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो जी यहाँ पर हाफ आटा गुन चुका था, उसके बाद उन्होंने ऑयल वगैरह लगाया पूरी के आटे पे, क्योंकि ऑयल से इसमें टेक्सचर अच्छा आता है और पूरियाँ हमारी सॉफ्ट बनती हैं और बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनती हैं। बच्चों ने फुल मस्ती की थी, पूरी पूरी मस्ती, क्योंकि इन लोग को छूट थी कहीं पर भी स्कूल में जा सकते हैं, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, तो फुल इन्जॉय किया था और बहुत मज़ा आया। देखें ये यहाँ पर इफ्रा वगैरह बैठे हुए थे ये भी बच्चे, तो ये अपने आलू वगैरह काट रहे थे। यहाँ मैम ने सारे मसाले निकालने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मैम बोली जब तक आलू अभी कट रहे हैं मैं गोभी का जो सामान है वो रेडी कर लेती हूँ, जिससे जल्दी से गोभी हमारी बन के रेडी हो जाए। तो जी ये देखें, और ये जो मिर्च आप देख रहे हैं ना ये बहुत ज़्यादा तीखी है, इसीलिए ये इतनी कमी हम लोगों ने डलवाई थी, क्योंकि ये बहुत तीखी है। तो जी यहाँ पर देखें उसका सामान रख गया है, सारी चीज़ें कट चुकी हैं, ये मिर्ची वगैरह भी, यहाँ ऑयल की बारी आई। तो मैम बोली बच्चों से थोड़ा इसको बड़ा पैकेट को काट लेते, तुम लोगों ने इतना छोटा क्यों कट किया है, आप देख सकते हैं कितनी देर में ऑयल हो रहा है। तो जी ये देखें ये दूसरी तरफ बच्चे लग गए थे हरे धनिए की पत्तियाँ बनाने और आटा हमारा
गुन चुका था खूब अच्छे से, बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया सबने और सबको खाना भी बहुत टेस्टी लगा। तो जी ये देखें मैम ने स्टार्ट कर दिया है कुकिंग और ये सब भंगार वगैरह तैयार करके गोभी पकने के लिए रख दी जाएगी। और एक सब्ज़ी बनाई थी आलू की, आलू मसाले वाले जो आलू होते हैं वो बनाई थी, वो मैं नहीं शूट कर पाई। ये देखिए कितनी टेस्टी गोभी बन के तैयार हो गई थी और ये जो आलू हैं ये भी रेडी हो चुके हैं मसाले वाले आलू बनने के लिए। और बच्चे बोले कि हमें रेसिपी सीखनी है, साथ ही साथ रेसिपी भी सीख रहे थे और पूरियाँ बनना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि हमारी गोभी जो है वो बन चुकी थी, एक चूल्हा जो था वो खाली हो चुका था। तो फटाक से बच्चों ने पूरियाँ बेलना स्टार्ट की और मैंने और तबस्सुम मैम जो है हमारी एक और, उन्होंने पूरियाँ जल्दी से तेल में से निकाली क्योंकि हमने बच्चों से नहीं निकलवाई थी, ऑयल का काम था, बाई चांस बच्चों के ऊपर ऑयल की छींट वगैरह आ जाए, इसलिए केयरफुली हम लोगों ने पूरियाँ निकाली। बट अभी राहत मैम ही निकालेंगे जिन्होंने सारी चीज़ें बनाई थी खाने की, क्योंकि बच्चों को रेसिपी सिखाई, उन्हें बताया कैसे क्या करना है, कैसे भूनना है। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पूरियाँ कितनी अच्छे से बनने स्टार्ट हो गई थी। और एक चीज़ मैंने और इसमें शूट नहीं कर पाई थी वो थी चाय, तो मैं वो भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि दिमाग से ही निकल गया, काम इतना ज़्यादा हो रहा था, बच्चे इधर से आवाज़ दे रहे थे मैम ऐसे मैम वैसे। तो ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पूरियाँ बेल चुकी हैं क्योंकि 5 किलो आटे की पूरियाँ थी। और ये देखें ब्लैक बोर्ड है जिसे बच्चे डेकोर कर रहे थे, होम साइंस प्रैक्टिकल और पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे मैम के वेलकम के लिए, और मैं इसमें वेलकम वीडियो भी ऐड नहीं कर पाई क्योंकि नहीं कर पाई। और ये देखिए आप पूरा लिखा है वेलकम टू ऑल होम साइंस प्रैक्टिकल, उन्होंने गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ बनाया, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल किया, बहुत मेहनत की सबने, सबको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उन्होंने पूरी की। और ये देखें यहाँ बच्चों की प्लेट्स लग गई हैं और बच्चे हेल्प कर रहे थे क्योंकि एक तरफ बच्चों का लंच था और एक तरफ टीचर्स का लंच था, तो हम लोगों ने सोचा चले स्टार्ट साथ में ही करेंगे। तो ये देखें यहाँ मैम सबको फिल कर रही हैं सबकी प्लेटें और बच्चे बोल रहे हैं मैम, कोई बोल रहा था हमें ये नहीं चाहिए ये चाहिए, तो मैम वही नहीं, सबको सब कुछ इक्वल मिलेगा और मिलना चाहिए। तो ये देखें ये सारे बच्चे खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, सब बहुत तारीफ कर रहे थे, खाना बहुत टेस्टी बना था। ये टीचर्स की प्लेट, ये टीचर्स की टेबल थी। तो आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और वीडियो, एक और व्लॉग और एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना